ताजा करिए और पुरानी बॉलीवुड यादें, हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम लहरे रेट्रो। जब से सिनेमा ने बोलना शुरू किया है तभी से कॉमेडी कलाकारों की एक परंपरा सिनेमा में चली आ रही है। नूर मोहम्मद, चार्ली, जॉनी वॉकर, ओम प्रकाश, महमूद, आसरानी, जॉनी लीवर और राजपाल यादव जैसे कलाकारों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। सभी ने किसी न किसी की नकल जरूर की है, पर देवेन वर्मा का नाम एक ऐसे कलाकार में शुमार होता है जिसने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर हिंदी सिनेमा में आए बदलाव और यंग जनरेशन के कलाकारों के अनकल्चर्ड मैनर ने देवेन को इतना निराश कर दिया था कि उन्हें फिल्मों से संन्यास लेना पड़ा। और 1993 के आसपास देवेन वर्मा ने पुणे में प्रॉपर्टी खरीदी और वहीं फिल्मों से दूर जाकर रहने लगे। देवेन वर्मा ने अपना आखिरी समय पुणे में ही गुजारा, पर अंगूर, चोरी मेरा काम, चोर के घर चोर जैसी फिल्मों में बेहतरीन कॉमिक रोल के लिए देवेन वर्मा ने फिल्म फेयर का बेस्ट कॉमेडियन पुरस्कार जीतकर न सिर्फ लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी बल्कि कई फिल्मों का निर्माण भी किया। देवेन वर्मा एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके होंठों पर हमेशा चुटकुले और मुस्कान रहती थी, और हंसी का ये मंत्र देवेन को ऊपर वाले ने ही बतौर उपहार दिया था।